नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आपका ओनली न्यू नेशन में। बड़ी खबर आ रही जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने घर में घुसकर चलाई ताबड़तोड़ गोलियां और बिछा दी लाशें। पूरी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, पूरी वीडियो दिखाने जा रहा हूं और कश्मीर से भी जोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा हूं कि देखिए किस तरह से पुलिस वाले ने प्रमोशन पाते ही अपने ही लोगों को मार गिराया। जी हाँ, शायद अब आप थोड़ा सस्पेंस में पड़ गए हों कि कश्मीर में हम हमेशा आपको खबरें देते हैं कि पुलिस वालों ने आतंकियों पर चलाई ताबड़तोड़ गोलियां, कई आतंकी ढेर हो चुके हैं, लेकिन ये मामला कुछ दूसरा है क्योंकि इस मामले में पुलिस वाले ने अपने ही परिवार के लोगों पर गोली चला दी है और परिवार के 3 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दूँ, सबसे पहले उसने अपनी बीवी को गोली मारी, फिर उसने अपने सास, फिर ससुर, यानी कि 3 पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जिनकी वजह से 2-3 की मौत हो गई और उसके बाद इसी पुलिस वाले ने अपने साले पर गोली चलाई। लेकिन साले के हाथ में गोली लगती है लेकिन किसी तरह से वो बचकर भाग जाता है, तो वो बच जाता है, लेकिन ये अंजाम उसको भुगतना पड़ेगा क्योंकि बता दूँ ससुराल में पुलिस वाले का खूनी खेल सामने आ चुका है। प्रमोशन की खुशी में बिछा दी अपनों की इतनी लाशें, सिर उठा पूरा जम्मू कश्मीर। प्रमोशन की खुशी में पहले उसने अपने परिवार वालों को मिठाई बांटी, गांव वालों से मिला और खुशखबरी बताई कि उसका प्रमोशन हो गया। उसके बाद पहले उसने हवाई फायरिंग की, उसके बाद हवाई फायरिंग के साथ साथ अपने परिवार वालों पर ताबड़तोड़ गोलियाँ चलाने लगा जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। बता दूं आपको, जब मंगलवार की रात जम्मू सिर उठा, जम्मू कश्मीर पुलिस के एक कांस्टेबल ने ससुराल में अपनी पत्नी, सास व ससुर की सर्विस राइफल से गोली मारकर हत्या कर दी। घटना सदवारी थाना क्षेत्र के फ्लाई मांडाल इलाके के अलोरा गांव की है। प्रमोशन की खुशी मनाने ससुराल पहुंचे पुलिसकर्मी ने अंधाधुंध गोलियां बरसाकर तिहरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। घटना के कुछ देर बाद पुलिसकर्मी को उसके गजनसू गांव स्थित आवास से गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बता दूं कांस्टेबल का जो नाम है वो है राजेंद्र कुमार। इन्होंने मंगलवार की रात लगभग 9 अपनी ससुराल अलोरा पहुंचा। उसने वहां पहुंचकर लोगों को बताया कि उसका प्रमोशन हो गया। पहले उसने ससुराल के लोगों को मिठाई खिलाई और खुशी जताते हुए एक हवाई फायरिंग की। अचानक उसने पत्नी सीमा देवी, सास राजकुमारी और ससुर रमेश कुमार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जिसकी वजह से कश्मीर में हड़कंप मच गया। बता दूं 3 गोली लगने के बाद खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़े। उसके साले पर भी फायरिंग की गई लेकिन वह बच निकला। घटना के बाद वह मौके से फरार हो गया। इस बीच खून ज़्यादा बहने से सास की मौत मौके पर ही हो गई। पत्नी और ससुर को GMC ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि घटना की सूचना मिलने से ही सतवारी पुलिस की एक टीम ने गजनसू में राजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। बता दूं आपको, पत्नी से कई बार हो चुका विवाद, पिटाई भी पत्नी की करता था। अस्पताल में पुलिसकर्मी के खिलाफ मृतकों के परिजनों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि 4 से पारिवारिक विवाद चल रहा था। महिला थाने में शिकायत के बाद 5,000 रुपये प्रति माह वह खर्च के लिए देता था। वह पहले भी पत्नी से कई बार विवाद कर चुका है, कई बार उसने पिटाई भी पत्नी की है। बता दूं आपको, घटना से पहले दुकान में रिश्तेदारों को भी खिलाई मिठाई। बताया जा रहा है कांस्टेबल राजेंद्र सिंह अलोरा में वारदात से पहले रिश्तेदारों की दुकान में गया था। यहाँ पर उसने हेड कांस्टेबल बनने की खुशी में उन्हें मिठाई भी खिलाई, जहाँ उसने कहा था कि आज ससुराल में इतनी खुशी मनाई जाएगी कि सब लोग याद रखेंगे। बताते हैं कि कांस्टेबल बार बार एसोसिएशन के एक अध्यक्ष का PSO भी रह चुका है, लेकिन जब आज उसको हेड कांस्टेबल की जिम्मेदारी दी गई तो प्रमोशन की खुशी में उसने अपनों की ही लाश बिछा दी। यानी कि कश्मीर में अक्सर आतंकी मारे जाते हैं तो हमारे लिए खुशी की बात होती थी, लेकिन आज एक कांस्टेबल ने अपने परिवार वालों को ही मार दिया, तो ये कहीं ना कहीं दुख की बात है। इसकी हम निंदा करते हैं और देश का हर इंसान इस घटना की निंदा करेगा, और वो पुलिस नहीं बल्कि एक अपराधी है जिसको सजा देनी चाहिए। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सच्चाई जनता के सामने पहुँचे। और हाँ, ऐसी घटनाओं को अंजाम कोई भी ना दे।
अगर प्रमोशन होता है तो परिवार के साथ खुशियां बांटे, ना कि गम ना ही गोलीबारी करें। ऐसी घटना का मैं कड़ा निंदा करता हूं। बने रहिए ओनली न्यूज नेशन साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, आप तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशियन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, आप तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशियन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, आप तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशियन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, आप तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।